में पुलिस स्टेशन के हद में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय आरोपी मोहसिन खान उर्फ औलिया उर्फ कासिफ, जो दो बच्चों का पिता है, उसने लड़की को धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। जानकारी मिली है कि आरोपी मोहसिन खान ने अगस्त 2022 से अब तक कई बार नाबालिग लड़की को विभिन्न जगह बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले तो पीड़िता से दोस्ती की, बाद में उसे धमका कर उस पर अत्याचार किया। नमस्कार, मी PSI संध्या कोळी, पोलीस स्टेशन पाचपावली। आमच्या इकडे परवाच दिवशी 176 गुन्हा दाखल झाला आहे। त्यामध्ये फिर्यादी आणि पीडिता ही 17 वर्षाची आहे आणि त्यामध्ये आरोपी जो आहे मोहसिन औलिया याचे आणि फिर्यादीचे मैत्री संबंध होते। त्यानंतर त्याने त्याचाच फायदा घेऊन पीडितेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध केले आणि त्यामुळे 176 आमच्याकडे दाखल आहे। आरोपी सध्या अटकमध्ये आहे। आरोपी जो आहे तो सध्या रिक्षा चालवायचं काम करतो। आरोपीचं ऑलरेडी लग्न झालेलं आहे, त्याला एक बायको आहे आणि एक मुलगा पण आहे। आणि फिर्यादीची आणि आरोपीची ओळख अशी हॉस्पिटलमध्येच झाली होती, त्यामुळे ते एकमेकाला ओळखत होते। हो हो, ते त्यांना आरोपीचं लग्न झालं आहे, त्यांना एक मुलगाही आहे आणि त्यांची वाईफ सध्या प्रेग्नंटही आहे। हाँ जी, आरोपी हा शांतीनगरचा राहणार आहे आणि त्याची विचारपूस चालू आहे की बाकी त्याच्यावर पूर्वी काही गुन्हे आहेत का किंवा कसे, प्राथमिक चौकशी सध्या सुरू आहे। इस मामले में कई बार पीड़ित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। मामले में कहा गया है कि पीड़ित लड़की विभिन्न जगहों पर आरोपी के साथ गई थी। पुलिस ने जांच करना चाहिए कि इन सभी जगहों पर पीड़ित युवती को क्या धमकाया गया था या जाने से पहले ही युवती को धमका कर ले जाया गया था। क्या पीड़ित लड़की सार्वजनिक जगह पर खुद को बचाने के लिए मदद मांग सकती थी? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच में ही पता चल सकता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।